वेब सीरीज आई है जिसका नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसे मैंने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है और एंकर किया है। ये एक लाइफस्टाइल वेब सीरीज है जो फनफ्लिक्स ऐप पे रिलीज हुई है। इसे मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में शूट किया है। आई हैव शॉट इट इन बैंकॉक, इन थाईलैंड, आई हैव शॉट इट इन जयपुर, इन दिल्ली NCR, इन पुणे, इन मुंबई। In fact, I was so excited and enthusiastic about this web series that I completely went overboard and over budget. And the whole web series has turned out to be of 5 crores. Okay, so it's like really a lot of hard work, dedication, time and money that's gone into this. So I would request all my well-wishers, fans and friends to download the app of Funflix, which is spelt as PHUNFLIX. And watch अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो थी मेरी वेब सीरीज विद द नेम अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैंने एक गाना भी गाया है, आई मेड अ डेब्यू एज अ सिंगर, और उस गाने का भी नाम है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस गाने का म्यूजिक डायरेक्शन किया है डीजे शेजवुड ने और लिरिक्स लिखे हैं कुंवर जुनेजा ने, एंड द वॉइस हैज़ बीन लेंट बाय मी। जी हाँ, मैंने अपनी खुद की आवाज़ में गाना गाया है और इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इसे रिलीज़ किया है और सब लोग हुक स्टेप्स को लेके इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं। मेरे फैंस को एक शिकायत है कि पूजा आपने म्यूज़िक वीडियो क्यों नहीं बनाया है। उस पर मेरा काम जारी है एंड आई होप टू शूट द म्यूज़िक वीडियो बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट एंड रिलीज इट इन सेप्टेम्बर। सो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस, म्यूज़िक वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है। And I'm really excited about this whole vertical called अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो एक वेब सीरीज भी है और एक गाना भी है। तो ये जो वेब सीरीज अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो किस तरह का कहानी है, कौन कौन स्टार कास्ट है आपके साथ में और कौन कौन? ये एक लाइफस्टाइल वेब सीरीज है जिसे मैंने एंकर किया है। इसमें हम द गुड लाइफ को कवर करते हैं। सबको एक अट्रैक्शन होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, एक इनक्विजिटिवनेस होती है, दैट वॉट आर द थिंग्स दैट मेक द इट लाइफ डॉल्चे वीटा, राइट? तो उसी लिए मैंने ये वेब सीरीज बनाई है जहाँ मैंने फैशन डिजाइनर्स को इंटरव्यू किया है, शेफ्स को इंटरव्यू किया है, लोगों को मेकओवर्स दिए हैं। मैंने एक ट्रांसजेंडर इंसान को लड़की की तरह ड्रेसअप किया क्योंकि उसके घर वाले उसे अलाउ नहीं करते थे लड़की की तरह ड्रेसअप करने के लिए, और उसकी विश फुलफिल की। एक आंटी हैं जो अपने बारे में भूल के अपने फैमिली में बिल्कुल मशरूफ है, तो उनको मेकओवर दिया एंड मेड हर फॉल बैक इन लव विथ हर ओन सेल्फ एंड यू नो उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाई। फिर एक लड़का था जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया, बेचारा हार्ट ब्रोकन था, तो उसको मेकओवर देके उसको मोटिवेट किया टू गेट बैक इनटू द डेटिंग गेम एंड टू मूव ऑन। तो अपनी ओर से तो मैंने सबके लिए अच्छा ही करने की कोशिश की है। सो आई होप यू लाइक दिस वेब सीरीज, क्योंकि NRI ऑडियंस को ये वेब सीरीज बहुत पसंद आ रही है। मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप से, क्योंकि वहाँ के जो इंडियंस हैं वो बहुत ही, उन्हें खलबली मची रहती है, इच लगी रहती है कि भाई इंडिया में नया क्या चल रहा है। तो मेरी वेब सीरीज से उन्हें सब कुछ पता चल जा रहा है एंड दे आर वेरी हैप्पी विद इट। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं आप सीजन 2 कब निकालने वाले हैं। तो पूजा मिश्रा को बहुत तो बहुत सब बात, पूजा मिश्रा का जो ऑडियंस है, पूजा मिश्रा को कौन सा नया एक किस अवतार में देखने को मिलेगा पब्लिक को? वेल, अभी मैं बहुत सारी चीजों में साइमल्टेनियसली काम कर रही हूँ। एक मेरी बायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है व्हाट्स इन अ नेम, यू वर नॉट बॉर्न टू बी मीडियोकर, जिसमें मैंने अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री बताई है, जो भी मेरी रोलर कोस्टर राइड रही है बॉलीवुड में, टेलीविजन इंडस्ट्री में, सब मैंने बताया है। फिर उसके बाद 3 गाने हैं जिन पे मैं अभी काम कर रही हूँ, जिन्हें मैं एक एक करके रिलीज करूँगी। फिर उसके बाद मेरा रियलिटी शो स्पेयर मी द क्रैब मेंटेलिटी है, जहाँ मैं लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ अपना हुनर दिखाने के लिए, उन्हें ब्रेक दे रही हूँ शोबिज इंडस्ट्री में। और ऑफ कोर्स एक और शो है जिस पर मेरा काम होमवर्क अभी जारी है, जो स्वयंवर की तरह है, जिसका नाम है पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर मैरी मी। इनफैक्ट यू नो लोग पूछते हैं कि पूजा आप शादी कब करोगे, और हम चाहते हैं कि आप शादी सेल्यूलॉइड पे करें, हमारे सामने बिगिनिंग टू एंड हम विटनेस करना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी शादी की।
तो उसी लिए मैंने ये रियलिटी शो कंसेप्चुलाइज किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इन फैक्ट यू नो आई वॉन्ट टू ट्रैवल विद इट. लोग जानते नहीं हैं पर मेरे 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है अमेरिका का और मैं एक भी बार अमेरिका अभी तक गई नहीं हूँ. सो आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका. यूके में मैंने अपना जूनियर स्कूल किया था. मुझे अभी भी याद है 11 साल की उम्र में मैंने अपना पहला वाइट क्रिसमस सेलिब्रेट किया था लंदन में. तो मैं वापस यूके जाना चाहती हूँ. फिर यूरोप से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आई वांट टू गो टू यूरोप. जैसे आप लोग जानते हैं मेरी जो वायरल वीडियो क्लिप पूजा व्हाट इज़ दिस बिहेवियर थी उसे हॉलीवुड में बहुत सराहा गया है. कार्ल पेन जो हमारे हॉलीवुड के एक्टर हैं उन्होंने उसे अपने ट्विटर पर लिखा. क्लोई कार्दाशियन जो किम कार्दाशियन की बहन है उन्होंने मेरे डायलॉग अपने इंस्टाग्राम पर लिखे थे गेट ऑफ माई बैक. तो हॉलीवुड के लोग जब सराह रहे हैं तो शायद मेरा काम अच्छा ही होगा.